आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आप सभी श्रद्धालुगण जन समूह सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जल्द से जल्द आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कृपया आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आप अपने स्थान पर भी सभी लोग विराजमान हो जाएं। गुरु छुपा रहा हूँ यहाँ पर, कौन सी बंद को कब चेक करिए कि आवाज आवाज भाग के हम बोलन कौन धक्का का नाम है जिन्हें तो क्या चले गए आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप जो मरीज लेकर के भी खड़े बैठे हैं आप लोग बैठ जाए यहाँ पर। हाँ जी, हाँ ठीक है, जीवन कृषान ज्ञान नामागण्यम सकल गुण निधान बानराणाम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। लाल देह लालीन से अरुधरि लाल नूर वज्र देह दानवगण जय 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 कपिशूर। साधु बनना कठिन है, साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अपने अपने घर में की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब धर्म की सो धन्य धन्य महावीर। डले रहो दरबार में, डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खा, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जा। राम न माने काहू को, राम न माने काहू को, पापी नहीं है राम, आप ही से मर जाते हैं
ते काम। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, चमीचा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर। बागेश्वर धाम के बगलन की रूप में बैठे जो सुबह 8 बजे से गाली बकरे मनी मन में गुरु जी को 10 बजे आना था, 10 बजे आना था, 10 बजे आना था, अभी तक नहीं आए, उन पगलन की भी तो हमारी जय के हम 12 बजे आ गए। जय सियाराम। रोज की तरह बहाना वही है कि हम देर तक सोते। बोलो जय बजरंगबली। हम 7 दिन के जगे थे, 12 बजे रात को हम फ्री होकर भोजन पाकर 12:30 बजे से सोए, खूब बढ़िया 9 घंटा तक हमने बढ़िया नींद ली है आज, इसलिए तो इतने हंसा रहे, नहीं तो नींद पूरी नहीं होती है तो हंसी चली जाती है, पर बात बढ़िया नींद हो गई, अब दिव्य दरबार लगेगा। yes, अरे हॉल के कूलर कहाँ गए? हॉल में पहले कूलर लगे रहे थे। हाँ? अरे उन्हें लगवा दिया भैया, गर्मी बहुत है, बहुत से लोग तो बेचारे सूख के छुआरे हैं। साधु जी कहो कैसे हो तुम लोग, आनंद में हो? भंडारा पा लिया था हैं? नहीं तो क्या हमारे प्राण खाओ? अन्नपूर्णा चल रही, हमने रात को भी कहा था कि तुम लोग खा पी करके बैठना, कहा था कि नहीं कहा? फिर भी तुम लोग उल्लू बन जाते हो, कोई बात नहीं, अब जल्दी से दरबार शुरू कर देते हैं ताकि तुम भंडारा खा सको, भोजन कर सको। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से बोलो, बागेश्वर धाम की, चमीचा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर। बागेश्वर धाम की दिव्य धरती धन्य है, सन्यासी बाबा की धरती धन्य है, जहां यहां सन्यासी बाबा ने तप किया, उस तप के प्रभाव से पावन तीर्थ श्री बागेश्वर बालाजी भगवान के दरबार में लाखों लोग यहां रोते हुए आते हैं और बालाजी के दरबार से हंसते हुए जाते हैं। सबकी खाली झोली को बालाजी भरते हैं, हर मंगल शनिवार बागेश्वर धाम पर लाखों लोग आते हैं और बालाजी की ऐसी दया, ऐसी कृपा, जिनके पर्चा ना भी बनते, जो भी 21 पेशी का नियम परिक्रमा करता है, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देता है, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करता है, ऐसे साधक को, ऐसे भक्त की जो भी बाधा है वह बालाजी के चरणों में हर संकट बन जाते हैं। भारत भूमि अद्भुत भूमि है, कहीं हनुमान जी सालासर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं मेहंदी पर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं कष्ट भंजन बालाजी के रूप में बैठे, यहां बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। लाखों लोग 40-40, 50-50 वर्ष दादा गुरु जी के समय से अनवरत पेशी और नियम कर रहे हैं। भैया ऐसे बालाजी भगवान जिनकी पावन भूमि पर आप विराजमान हो, आज के दिव्य दरबार में आए हो, हम बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना कर रहे हैं।
कि जाओ तुम जो जो भी अर्जी लेकर, जो जो भी विषय लेकर, जो भी मनोकामना लेकर, जो भी जिज्ञासा लेकर बालाजी के चरणों में आए हो, जाओ तुम्हारी खाली झोली भर जाए। जाओ, तुम पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। हमारी महिमा नहीं है, हम तो धूर्त मूर्ख पापी साधारण इंसान है, हमारी कोई महिमा नहीं है। तो हमारे पीछे मत पड़ो, जिनके चक्कर में हम पड़े, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान हो जाता है, ऐसे बागेश्वर बालाजी। आज के दरबार में सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जो अर्जियां स्वीकार हुई, पहली बात तो हम आपको ये बता दें, धाम पर किसी को भी अपना नाम अपनी समस्या नहीं बतानी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आपको किसी भी कोने से बुला लिया जाएगा। और सन्यासी बाबा ने जो क्रम लिखवाए, सन्यासी बाबा ने जो अर्जियों पर कृपा की, पहली अर्जी दरबार के बीच में विजय नाम के भैया विराजमान।